आज के लिए ये कृष्णा जी की कविता ली है। आज का ये हमारा इनलाइटेंड पोएट्री का सेगमेंट, उसको सुने फिर उस पर कुछ बात करते हैं। धीरे धीरे खोया तन मन जग से झूठी यारी में, धीरे धीरे खोया तन मन जग से झूठी यारी में, खुद से खुद का निर्वासन बेमतलब की होशियारी में, खुद से खुद का निर्वासन बेमतलब की होशियारी में, यूं ही खोया जीवन बस जीने की तैयारी में, जाने कैसे कैसे बंधन मुक्ति की दावेदारी में, जाने कैसे कैसे बंधन मुक्ति की दावेदारी में, अपने ही घर में हम कितना भर में हम कितना भटके, अपने ही घर में हम कितना भर में हम कितना भटके, जाने किस लाचारी में, सांसों का पुल धीरे धीरे ढहता चला गया बस, सांसों का पुल धीरे धीरे ढहता चला गया बस, सांसों की पहरेदारी में, खुद से खुद का निर्वासन बेमतलब की होशियारी में, मिट्टी हो गया चंदन और कांच हुआ कंचन, मिट्टी हो गया चंदन और कांच हुआ कंचन, भय की चार दीवारी में पथरा गए नयन दर्शन की दुश्वारी में, धीरे धीरे खोया तन मन जग से झूठी यारी में, खुद से खुद का निर्वासन बेमतलब की होशियारी में, जाने कैसे कैसे बंधन मुक्ति की दावेदारी में। ये देखिए सारी बातें और इनको समझें, ये इसीलिए मैंने इस पोएट्री को इनलाइटेंड पोएट्री का सेगमेंट कहा। आज जितनी बातें मैंने कही वो सारी बातें देखिए इस कविता में आ गई। और हमेशा मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि ये जो मैजिक है, ये मैजिक ही है कि आपके प्रश्न क्या है मुझे नहीं पता, मैं क्या रिस्पांस देने वाला हूँ मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता मैंने ये कविता पहले ही सेलेक्ट करी थी, लेकिन आपके सारी बातों के प्रत्युत्तर रिफ्लेक्शन इसमें आ गए। अभी जो नचिकेती का प्रश्न लिया उसमें क्यों फॉरएवर नहीं, फॉरएवर तो यही है, अगर हम नहीं जागेंगे तो ऐसे ही जीवन खोता चला जाएगा, ऐसे ही खो जाएगा सब कुछ। ये जो पूरी फिलॉसफी है, ये तन ये मन ये बिखरा चला जा रहा है, संसार से प्रीत अच्छी है लेकिन एक जो अजीब सी बाहर भागती हुई दौड़ हमारी जग से झूठी यारी, और सब उसमें खो रहा है, तन मन नष्ट होके रख गया है क्योंकि हम अपने से संबंधित नहीं हो रहे हैं, और खुद से खुद का निर्वासन बेमतलब होशियारी में। ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है कि अपने आप ही हम अपने को अपने से दूर कर देते हैं, और दूर कैसे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होने की कोशिश करते हैं, इतने ज़्यादा चालाक होने की कोशिश करते हैं, इतने ज़्यादा होशियार कि अपने से ही अपने को दूर कर देते हैं, खुद से खुद का निर्वासन कर डालते हैं। जीवन तो सरल है, वो सरलता से ही सामने आएगा, वो इतनी चालाकी से पकड़ में आने वाला नहीं है, तो थोड़ा कम होशियार होकर भी काम चलेगा। और यूं ही खोया जीवन बस जीने की तैयारी में, कई लोगों की हालत देखो, जीते नहीं हैं जीने की तैयारी करते हैं, जीवन खो जाता है जीने की तैयारी में, और फिर बाजार आ जाता है जीने की तैयारी कराने के लिए, तुम्हारे पास मेडिक्लेम आ जाएगा और इंश्योरेंस आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, लेकिन वो तुम्हें जीने की तैयारी में लगाने के भी आयोजन है, बाजार है उनका कि तैयारी करो फिर जीना बाद में। हम जीना भूल गए हैं इसलिए कि तैयारी में बहुत मशगूल हो गए हैं। तो जीवन को जीना शुरू करना है, तैयारियां तो चलती रहेंगी, नहीं तो जीवन बेकार हो जाएगा, खो जाएगा। जाने कैसे कैसे बंधन मुक्ति की दावेदारी में,
मुक्ति कब आती है? जब हम बिल्कुल सरल और सहज हो गए होते हैं। मुक्ति की दावेदारी में मुक्ति नहीं आती, हम नए नए बंधन पैदा कर लेते हैं। कभी तुम देखो साधु महात्माओं को, वो कितने बंधन में जकड़ जाते हैं। धार्मिक लोग कितने बंध जाते हैं, क्योंकि एक मुक्ति की उन्होंने घोषणा करी और एक अलग किस्म का बंधन ओढ़ लिया। बंधन कहीं बाहर से नहीं आते, बंधन भीतर से आते हैं। और मुक्ति की दावेदारी नहीं होती, मुक्ति तो बस होती है सहज, आसमान की तरह खुली हुई, निस्सीम। दावेदारी करेंगे, मुक्ति की कोशिश करेंगे तो अनेक अनेक रूपों में बंध जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब बंध गए। कोई ज्ञान में बंध गया है, तो कोई ध्यान में बंध गया है, तो कोई योग में बंध गया है, तो कोई किसी भी विचारधारा में बंध गया है, धारणा में बंध गया है। सब अपने अपने बंधनों में जकड़ गए हैं, क्योंकि मुक्ति की दावेदारी में लगे हुए थे। अपने ही घर में हम कितना भर में, कितना भटके, जाने किस लाचारी में। सांसों का पुल धीरे धीरे ढहता चला गया, बस सांसों की पहरेदारी में। अपना ही घर है, अपना ही जीवन है, लेकिन हम भटक रहे हैं, टकरा रहे हैं अंधेरों से। लाचारी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको लाचारी बना लिया। ये जीवन व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमने जीवन को व्यवस्था बना लिया है। जीवन हर क्षण का एक उत्सव है, हर मोमेंट का एक सेलिब्रेशन है, लेकिन हमने अपने भय पाले हैं, हमने अपने लोभ पाले हैं, और अपने भय और लोभ के चलते हुए हमने तमाम तरह की लाचारियां पैदा कर ली हैं। उन लाचारियों में जो घर हमारी स्वतंत्रता में जीने का एक आयाम हो सकता था, उसमें हम बस टकरा टकरा कर चल रहे हैं, भटक रहे हैं। सांसों का पुल धीरे धीरे ढहता चला जाता है सांसों की पहरेदारी में। आजकल देख लो क्या दिक्कत है, फिर बाजार आ जाता है। हेल्दी रहना है, बहुत है, स्वस्थ रहो, लेकिन स्वस्थ रहना तो जीवन का एक बांध तोड़कर बह जाना है, लेकिन हम तो एक एक चीज़ छान छान कर चल रहे हैं। धार्मिक लोग तो छान छान कर पानी पी रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग सब विटामिन मिनरल सब झाड़ फूँक कर ले रहे हैं, क्या नहीं, ग्लूटेन फ्री और एंटीऑक्सीडेंट, और आजकल जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई तो इम्यूनिटी, हर चीज़ इम्यूनिटी बूस्टर। पहले नहीं पता था कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, अच्छा ये पत्ती भी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये भी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, सांसों की पहरेदारी कर रहे हैं। और कब सांसों का पुल ढह जाता है? अभी जो लोग अवसाद भय महसूस कर रहे हैं इस पैंडेमिक में, वो यही है कि इतनी ज़्यादा जीवन को पकड़ कर रखने की कोशिश कर ली है कि जीवन तो टूटा जा रहा है वो पुल। कहने का अर्थ है कि जियो, अगर तुम जीते हो तो पुल काम का आता है। पुल पुल से गुजरने के लिए है, पुल पुल पर ठहरने के लिए नहीं है। तो सांसें बांध कर रखने के लिए नहीं, सांसों की गठरी नहीं बंधती, सांसें जीने के लिए हैं। तो जियोगे तो स्वस्थ रहोगे, नहीं तो ये सांसों का पुल ढह ही जाना है, वो ढह ही रहा है। मिट्टी हो गया चंदन और कांच हुआ कंचन। ये जो चंदन होता है इतना खूबसूरत, मिट्टी में बदल जाता है, सोना कांच हो जाता है, बेमानी हो जाता है भय की चार दीवारी में। कैसे कैसे भय हमने पाले हैं, सबके अपने अपने भय हैं, उस भय की चार दीवारी में हम रह रहे हैं। और पथरा गए नयन दर्शन की दुश्वारी में। दर्शन को हमने कठिन बना लिया है, जो सबसे सरल था उसको इतना दुश्वार बना लिया है कि आंखें पथरा गई हैं। सामने जीवन होता है तो हमको दिखता नहीं, सबकी आंखें अलग अलग ढंग से पथराई हैं, क्योंकि वो देखते ही नहीं, क्योंकि वो वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। दर्शन की दुश्वारी क्या है? दर्शन की दुश्वारी है कि जो है वो नहीं देखना, वो देखना जो हम देखना चाहते हैं। और जब हम इस दर्शन को इतना कठिन बना देंगे तो आंखें पथरा जाएंगी, जीवन का दर्शन नहीं होगा, जीवन खड़ा होगा अपने चमत्कार की तरह, लेकिन हम उससे दूर हो जाएंगे। तो निकलें इस चार दीवारी से, इस पहरेदारी से, इस लाचारी से, इस दुश्वारी से, हर तरफ से निकलकर जीवन को एक उड़ान दें, भयमुक्त होकर जिएं, और फिर देखें कि ना कोई दावेदारी है तुम्हारी, ना तुम्हारी तरफ से कोई पकड़ है,
लेकिन जीवन सुंदरतम है, जीवन अति सुंदर है। आज के लिए इतनी ही बात। सबको बहुत बहुत प्रेम और आशीष।